मैं बनाने जा रही हूँ पानी पूरी। उसके लिए लिया है मैंने लहसुन 2-3 जवा है, और 4 मिर्ची है, अदरक है, धनिया पत्ती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बॉम्बे स्टाइल का पानी पूरी। तो यहाँ पे मेरा धनिया मिर्ची लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है, और यहाँ पे मैं डालूंगी अब पानी पूरी का मसाला। और यहाँ पे डाल दिया मैंने नमक। इसको और चटपटा बनाने के लिए डाल दिया मैंने इसको और चटपटा बनाने के लिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि पानी पूरी का पानी जो रहता है एकदम चटपटा ही रहता है। पानी बनके हमारा चटपटा एकदम तैयार हो गया है। और यहाँ डाल दिया है मैंने कढ़ाई में तेल, और फटाफट से हम अपनी पूड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पूड़ियाँ, क्योंकि बच्चों से इंतज़ार नहीं हो रहा है, उनको जल्दी जल्दी पानी पूरी चाहिए। और यहाँ पे मेरा मटर उबल गया है, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपको हमारे यहाँ की पानी पूरी की रेसिपी चाहिए तो उसका भी ब्लॉग अपलोड है। और ये है मेरे हस्बैंड की पसंद की पानी पूरी। पूरी बन के तैयार हो गया, मेरा छोला बन के तैयार हो गया, पूरी बन के तैयार हो गई, तैयार हो गई है। तो यहाँ हमारी पानी पूरी बनके तैयार हो गई है। मैं बनाने जा रही हूँ इसमें सिंपल सा एकदम चाट, और उसमें अब हम डालेंगे ये पानी पूरी का जो पानी है उसको इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, प्याज, इसमें डाल दिया मैंने पूरी तोड़ के, और नमकीन, सेव है ये। दोस्तों आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी, मुंबई स्टाइल की पानी पूरी तो बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया। तो और खाने में आज बनाया मैंने खिचड़ी, क्योंकि शनिवार है, शनिवार के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनता है, तो हमारे यहाँ सब जगह बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे यूपी बिहार के जो लोग होंगे उनको पता ही होगा, तो शनिवार के दिन हमारे यहाँ खिचड़ी बनता ही बनता है, एक ही टाइम बनता है लेकिन खिचड़ी बनता ज़रूर है। और देखिए मेरा बुबू क्या कर रहा है, अभी ये खेल रहा है। घूमने जाना होता है, शाम होता है तब लड़ाई करता है सबसे घुमाने के लिए ना भैया, घूमी चलेगा लल्ला। अभी खेल रहा है अपने खिलौने से, अभी खेलने के मूड में। तकिया रखा था पूरा सोफा का तकिया, पूरा रुई हुई फाड़ के बैठा था। मैं बोली इतना शांत क्यों बैठा है, देख रही हूँ पूरा घर भर रुई रुई किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।